हेलो गाइस, मेरा नाम है पार्थ भारतू। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जा रहे थे भाई सीट कवर लगवाने के लिए गए हैं, मतलब कि मैं वाला ये वाला जो पार्ट है मैं शूट करना भूल गया हूँ, तो मैं ये अभी शूट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के, अपनी गाड़ी से घर जाते हुए। सो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी बलेनो जेटा वेरिएंट, और उसके अंदर जो सीट कवर चढ़ रहे हैं वो वाइन कलर के चढ़ रहे हैं, वाइन रेड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आप देख के बोल सकते हो उसको। तो ओवरऑल आप वाली वीडियो देखो, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सामने इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा रहा है, मुझे आप वहाँ पे आगे फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, जो कोई आपका फ्रेंड जो है बलेनो लेने वाला हो उसको सीट कवर चढ़वाने हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो आप वाली वीडियो देखो, उसके बाद मैं मिलता हूँ। भाई ये सीट काटने वाले से कोई नुकसान नहीं होता ना? नहीं काटी कोई है मैंने, वो मतलब कि चीरा लगाया ना कपड़े में? नहीं नहीं, इसकी खाली सिलाई उधेड़ी है। हाँ वही कपड़े पे चीरा ना, तो आपसे लग जाती है, मतलब बाद में कोई लगवाना चाहे तो लगवा सकता है। बाद में लगवाना चाहे ना तो जैसी सिलाई है वहीं पे सिल क्या इसमें भी अंदर हुक लगे होते हैं क्या? हाँ हुक ही तो, जब तो वो बनती है ग्रिप। ये भी तो बकेट ही होते हैं एक तरीके के वाले कवर। ये हाँ बकेट ही होते हैं, इसके नीचे कवर नहीं है ना, कुछ फोम ही फोम है। क्या वाला सेंसर देखना, इसमें एक सेंसर लगा होता ना यहाँ पे, उसका कुछ मतलब नहीं, जब सीट खुलती है जब देखा जाता हूँ। ऑन रोड? हाँ बैक शोरूम होगा। नहीं नहीं ऑन रोड, ये रहा ना, इसमें एक सेंसर ये लग रहा है। पतली सी तारे आ रही हैं, ये मिनर की लगी हुई, तो ये तो रेड वाली है। हाँ जब बैठने में पता चलता है ना बंदे ने सीट बेल्ट लगाई है लगाई। भाई ये वाले हुक होते हैं ना, ये आइसोफिक वाले, ये वाले जो निकाले तुमने यहाँ से, ये ढंग से लगा देना उसी में दोबारा से काट के। ये तो ऐसे निकल जाती है बिना इसमें, छोटे मोटे तो लॉक लगे हुए हैं इसमें। ये नहीं लगेंगे ना वापसी जो निकाले मैंने। कौन से वाले? नीचे वाले प्लास्टिक। ये हाँ ये लग जाएंगे, तो नहीं लगते भी। ये चीरा लगा के लगा देना, लगा देना इनको अगर आप भी लगाना जब कभी आप सीट कवर अगर लगवाओ तो। अभी दिखाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये आपके यहाँ पे आइसोफिक चाइल्ड माउंट लगते हैं यहाँ पे, तो ये लगवाने चाहिए आपको। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा हुआ है ये सारे जो फीचर्स हैं, जो कंपनी आपको बेसिक मॉडल से लगा के देती है सीट्स में। आगे के दोनों लग गए बढ़िया। अभी दिखाते हैं थोड़े बहुत जो रिंकल हैं, सब बैट बूट के निकलेंगे इसमें बढ़िया से, हीट वगैरह होने के बाद कुछ ऐसी मिलती है बलेनो आपको अंदर से। तो ओवरऑल जो सीट कवर हैं वो लग चुके हैं,
लाइट चला देता हूँ यार, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो सीट कवर लग गए हैं, थोड़े से वाइन कलर के अंदर लगवाए हैं, ठीक है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, छोटे मोटे रिंकल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये बैठने से और थोड़ी सी हीट वगैरह जब इसमें आएगी तब ये निकल जाएंगे इजीली। और ओवरऑल फिनिशिंग बहुत सही आई है, मतलब ठीक है, पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वाइन कलर के अंदर ये लगवाए हैं हमने, और ये बलेनो का जेटा वेरिएंट है, जैसे वो सामने स्क्रीन वगैरह से ही पता चल के आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, गाड़ी जो है बलेनो जेटा वेरिएंट है, और ये सिर्फ भाई 10 दिन पुरानी है, ठीक है। ये 22 तारीख की गाड़ी, और आज कितनी तारीख हो रही है, आज 5 या 6 तारीख है मेरे हिसाब से, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, एक मिनट देख के बताता हूँ डेट क्या हो रही है। आज 3 तारीख है, सॉरी 3 तारीख है, तो अराउंड आप मान सकते हैं 10 दिन पुरानी गाड़ी है, 22 नवंबर की गाड़ी है, 3 दिसंबर 2020 हो रहे हैं आज, ठीक है। और चली भी 560 किलोमीटर आप मान सकते हैं। और सीट कवर भाई ने लगवाए हैं, मैंने बोला था इसको कि मैग्ना ग्रे कलर जो है इसकी गाड़ी का, अभी मैं उतर के दिखाऊंगा। अब गेट करो बंद, गेट तो बंद है, आप करो गेट बंद, तो सील दो और क्या, स्टीयरिंग को ऐसा सील दूंगा ना, इस मार्केट में लाचू ना वो कोई नहीं सिलेगा। और ये जब मैं आपको मजाक मत लेना मेरे बात को, सही है वाला स्टीयरिंग, और भी बढ़िया क्वालिटी आती है भाई इसमें। हां भाई क्वालिटी और भी बढ़िया आती है, ये सही है। क्वालिटी मैं नहीं बताता, क्यों खुद ही लोगो, खुद ही हर चीज करो, मेरा काम है अच्छा से सिलना। वही मड फ्लैप लगवाए हैं साथ ही साथ, सीट कवर से लगवाए हैं जैसे मैंने आपको बताया था, 70 मैट्स भी लगवाए हैं, 70 मैट्स 2800 के पड़े हैं, सीट कवर 3800 रुपये के थे। और जो सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये भाई सस्ते वाले लगवाया जानबूझ के, क्योंकि हम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट, जैसे आप सामने भी देख सकते हैं टाइम हो रहा है भाई 6 बजने वाले हैं। और साफ सीधी बात मैं आपको बता दूं कि जो OEM वाला होता है जिसमें सीट कवर वगैरह जैसा जैसा सीट कवर रेड कलर का कपड़ा वैसा ही लगता, उसके अंदर कम से कम नहीं तो 2 घंटे लग जाते, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि इसने जो है एक गलती कर दी, वो लगवा लिया भाई इसने रिवर्स कैमरा कंपनी से। तो ये कितनी बारी चेंज करा ले तूने? दो बार ही चेंज करा ले, उसके बाद भी आप देख सकते हैं क्या क्लियरिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा लगा हुआ कहाँ पे। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भाई ये जो कैमरा है ये लगवाने कोई जरूरत नहीं है, ये जो कैमरा लगवाया है भाई वो लगवाया है यहाँ पे। ये वाला कैमरा भाई बहुत बेकार है, आप देखो कैसे जल रही है लाइट, देख रहे हो आप कैसे जल रही है, ये बहुत हैंग हो रहा है, ये कैमरा बहुत बेकार है। एक्चुअल जो अल्फा मॉडल में आता है वो यहाँ पे आता है कैमरा लगा हुआ, तो ये ज़्यादा बेहतरीन था ये वाला ऑप्शन, ये बाहर से लगवा सकता था। बट इसके पापा ने जो है कंपनी में से ही, मतलब गाड़ी जब बुक कराई तो इसके इसने घर पे ही डिलीवरी ली थी गाड़ी की, घर पे छोड़ने आए थे कोविड के कारण, उन्होंने वहाँ नहीं गए शोरूम के अंदर। तो ये वो जो कैमरा था उन्होंने बोला कि हमारे पास कैमरा है, 5000 रुपये का ये कैमरा लगवाया भाई, बिल्कुल थर्ड क्लास। अगर नेक्सा से मारुति से कोई देख रहा है तो भाई कुछ करो, अपने पार्ट्स वार्ट सुधारो। सो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया गाड़ी नई है, 22 दिसंबर की ली हुई है, गंदी हो रखी है माइंड मत करना। और सीट कवर वगैरह अभी लगवाए हैं जैसे मैंने बताया आपको, और जो ये स्टीयरिंग रैप मैंने आपको बताया था, स्टीयरिंग रैप और करा रहे हैं हम, ये वाला स्टीयरिंग रैप कराया भाई, हम पे टाइम नहीं था, और ये 15 मिनट के अंदर उस बंदे ने सील दिया ऐसा, मतलब फिनिशिंग ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही बेकार फिनिशिंग है, ठीक है 450 रुपये में कुछ बुरा नहीं है। मड फ्लैप लगवाए हैं, और जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये वाले 70 मैट्स आते हैं वो लगवाए हैं, पीछे डिक्की के अंदर एक बूट मैट लगवाया, सीट कवर जैसे मैंने आपको दिखाया। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।